मेरा नाम शबीना मुस्तफ़ा है, मैं बानी द गराज स्कूल की हूँ। आपको पता है गराज किन माने क्या होता है? गराज जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, बटमाइयाँ उसके जगह बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और ये वाक़या ऐसे हुआ, नवंबर 99 में हमारी मुलाजमा, उसकी जो बेटी थी वो 14 साल की उम्र की थी और उसको एक सोइंग क्लास में उसको रिफ्यूज़ कर दिया पढ़ाई से और सिलाई से। वो मेरे पास आई, उसके 5 बच्चे थे। उसने कहा कि आपके टाइम बहुत है, सुबह भी आपको वक्त मिलता है, आफ्टरनून में भी। उस वक्त मैं सऊदी एयरलाइंस में काम करती थी और मैं एक हफ़्ते सुबह काम करती थी, एक हफ़्ते आफ्टरनून में करती थी, तो मेरे पास बहुत टाइम था और गराज मेरा खाली था। तो उसने साफ़ किया और नेक्स्ट डे उसने मुझे बुलाया और कहने लगी कि आप ज़रा नीचे आइए। और वो जो आँखें मैंने उस दिन देखी, आज तक मैं भूलती नहीं हूँ। वो जो चमक उनके आँखों में, वो किसी वजूहत से आए थे मेरे पास, उनको तालीम चाहिए थी। पहले दिन तो हमें ये नहीं पता मैं क्या करूँ उन लोगों को, तो और जगह सब ज़मीन में बैठे हुए थे। फिर किसी ने मुझे एक पत्थर दिया, फिर उसके ऊपर हमने प्लैंक रखा। पैसे नहीं थे, बट हमने कहा इनको हम किसी वजह से भी वापस नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हम सिखाएंगे। तो मेरी एक और मुलाजमा की बेटी थी, वो मैट्रिकुलेट थी। हमने कहा ताहरा तुम सुबह करो, मैं आफ्टरनून करूँ, मैं कभी आफ्टरनून करूँ तुम मॉर्निंग करो। तो इस तरह हम आए, हमने स्लेट दिया, फिर हम लोगों ने स्लेट से शुरू किया और हम लोगों ने खुद ही अपनी किताब बनाई, कुछ वर्ड इंग्लिश में, कुछ उर्दू में। तो वह बच्चे कॉन्वर्सेशन और लिसनिंग स्किल से वो सीख गए बोलना। और उसके बाद एक दिन झुंड से झुंड 80 बच्चे हमारे पास आ गए। वो सोच रहे थे एक ट्यूशन होम है, तो हमने कहा जब वो सुबह खुला हुआ है तो हम आफ्टरनून भी खोल दें। तो हमने ये किया, फिर उन्होंने कहा 10 बच्चों को आप दूसरे स्कूल में भेज दीजिए मेन स्ट्रीम में। तो हमने हर साल उनको पढ़ा के, बच्चे इतने ज़हीन थे, तो ये कहते हैं ना जैसे एक रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद ये स्कूल चला। मैंने कोई चीज़ सोचा नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई वो पेश हो गए, दूध शुरू हो गया, फिर बिस्किट शुरू हो गया, फिर किसी ने कहा खजूर दो, फिर किसी ने कहा मेडिकल्स करो। ये गरीब बच्चे हैं, वह नीलम कॉलोनी से आते हैं। देखिए एक बच्चा अगर वो पढ़ाई उस वक्त करेगा जब वो भूखा नहीं होगा या उसकी सेहत अच्छी होगी। फिर हमने शुरू किया, इनके एक हॉस्पिटल के डॉक्टर खालिद बाम्बा आए, उन्होंने कहा इन बच्चों को मेरे हॉस्पिटल फ्री करो। तो हम हेल्थ केयर करते हैं, हम न्यूट्रिशन करते हैं और हम एजुकेशन करते हैं। ये नवंबर 99 में हमने किया था शुरू, और 8 साल हम लोग गराज में थे। और जब हमने बस चलाते थे हम लोग बच्चों को स्पॉन्सरशिप, फिर हमने ये जगह में मिली। जब आफ्टरनून वहाँ फ्री था तो हमने फिर ये किया कि माओं को बुलाना शुरू कर दिया, तो तालिम बालगा का क्लास शुरू कर दिया दोपहर को। फिर फादर्स आ गए, उनको किया। फिर हमने सोइंग क्लासेस शुरू कर दी, सो दैट वुमेन एम्पावरमेंट, वहाँ की औरतों को फिर एक सिलाई मशीन देना शुरू कर दिया कि वो अपने घर बैठे बैठे उनको आमदनी मिले। हम लोग रिसाइकलिंग प्रोग्राम करते हैं, उन लोगों को हर थैले पड़े हुए स्कूल में कि कागज़ मुख्तलिफ वो चीज़ें रखते हैं। तो अब हमारा ये है कि हमारे सुबह के शिफ्ट में मॉर्निंग जो सो कॉल्ड इंग्लिश है, आफ्टरनून में हमारा उर्दू है, उसमें जुगनू प्रोग्राम है, ये नए स्ट्रीट के बच्चे आते हैं। उसके बाद यूथ प्रोग्राम है जो 15 और 16 साल के बच्चे आते हैं जो काम करते हैं। और फिर हमारे पास बेसिक सीखने आते हैं, उसमें से भी एक बच्चा मैट्रिक करके निकला और वो 5 से रात 8 बजे तक आते हैं।